सिर्फ इतने ही रन बनाते ही बाबर आजम तोड़ देंगे विराट कोहली का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। विराट कोहली का यह रिकॉर्ड तोड़ते ही बाबर आजम बन जाएंगे क्रिकेट जगत के किंग। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार महज कितने रन बनाकर बाबर आजम तोड़ देंगे विराट कोहली का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि फिलहाल पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के दौरे पर है। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के साथ दो टेस्ट मुकाबलों में भिड़ने वाली है, जिसका पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है और पाकिस्तान की टीम एक बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम भी बेहतरीन फॉर्म में नजर आए हैं। आपको बता दें कि बाबर आजम के पास विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका है। अगर कप्तान बाबर आजम विराट कोहली का यह रिकॉर्ड तोड़ देते हैं तो वो क्रिकेट जगत के किंग बन जाएंगे। बाबर आजम के पास विराट कोहली का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है, ऐसे में बाबर आजम इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहेंगे। दरअसल श्रीलंका के खिलाफ बाबर आजम पहले टेस्ट मुकाबले में फिलहाल 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। अब बाबर आजम की नजर विराट कोहली के सबसे बड़े रिकॉर्ड पर है। बाबर आजम के पास विराट कोहली का खास रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। दरअसल विराट कोहली ने 50 टेस्ट मुकाबलों में 4000 रन पूरे किए थे, जबकि बाबर आजम कुल 47 टेस्ट मुकाबले खेल चुके हैं और बाबर आजम ने 47 टेस्ट मुकाबले में 3715 रन बना लिए हैं। अब बाबर आजम दो टेस्ट मैचों की 4 पारियों में 285 रन बना लेते हैं तो बाबर आजम विराट कोहली का यह रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे और वो विराट कोहली से आगे निकल जाएंगे। तो दोस्तों आपके मुताबिक क्या बाबर आजम श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में कुल 285 रन बना पाएंगे या नहीं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।